गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी शैल कंटिन्यू दिस चैप्टर। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी रेड 4 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी शैल रीड लास्ट 2 पेजेस एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑफ सम स्टेटमेंट्स एंड सम क्वेश्चंस, so you will complete that work. So let us start. With a desperate effort he opened his eyes. उसने efforts करने वाले आँखों को खोला। He put his hand out to feel his granny's presence at his side. He put out, he stretch out his hand, अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाया उसने, to feel his granny's presence, अपनी दादी माँ की उपस्थिति को फील करने के लिए, at his side, as was his habit, जैसी उसकी habit थी, but he only touched me felt the wooden leg of the bench, लेकिन वो उस बेंच की एक लेग को फील कर पाया। एंड हिज लोनली स्टेटमेंट सिचुएशन केम बैक टू हिम, फिर से उसके पास वही उसकी सिचुएशन महसूस करने लग गया वो, कि ही वॉज अलोन, ही स्वेटेड विद फ्राइट, फ्राइट मीन्स फियर, वो पसीने से भर गया डर के मारे। एंड नाउ व्हाट वॉज rustling, what was rustling means low noise, what was this rustling, ये धीमी धीमी आवाज़ किस चीज़ की थी। He moved to the edge of the bench, edge means वर्ज किनारा, वह उस बेंच के किनारे की तरफ आगे बढ़ा। And stared means look continuous into the darkness, और अंधेरे में देखता रहा continue। Something was moving down, कुछ चीज़ आगे की ओर जा रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, रमिज फियर, वो डर में उसको देखता रहा। हिज एंड, एंड मीन्स हिज मोटो, हिज पर्पस, बट हेयर एंड मीन्स लास्ट टाइम, हिज एंड हैड कम, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। ही रियलाइज्ड, he felt that the devil would presently pull him out and tear him, he felt the devil will come and pull him out beneath the bench and tear him, ki devil aayega usko bench ke niche se kheench kar bahar nikalega aur usko phad dega, and so why should he wait, तो उसे उसकी प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए। स्वामी सोचता है कि मुझे डेविल की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो नज़दीक आए, ही क्रैवल्ड आउट, ब्यूटीफुल वर्ड क्रैवल्ड, क्रैवल्ड मीन्स क्या होता है, टू मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज, वो कोहनी और घुटनों के बल रेंगता हुआ बेंच के नीचे से बाहर आया। एंड हग्ड, हग्ड मीन्स ए पर्टिकुलर ग्रिप, और टाइटली उसको क्या किया, हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, माइट मीन्स पावर, अपनी पूरी ताकत से उसको जोर से उसने ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, मॉर्टल मीन्स डेडली, और अपने टीथ को एक वेपन की तरह यूज़ किया। ही सिंक his teeth in the flesh of the burglar, ayyo something has beaten me, ayyo kisi ne mujhe kaat liya hai, went forth and agonized means pain, and thundering means sound, cry, wo zor se chillaya dard se, kisi ne mujhe kaat liya hai, and followed by a heavy
टम्बलिंग और जोर से टकरा गया एंड फॉलिंग एडमिशन मिडल फर्नीचर और फर्नीचर के बीच में ही नीचे गिर गया। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। इन अ मोमेंट एक ही क्षण में फादर कुक और सर्वेंट तीनों वहीं पर आ गए एक लाइट हाथ में लेकर आते हुए लैंप लेकर आते हुए एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। बर्गलर मीन्स थीफ चोर। वो तीनों चोर के ऊपर गिर गए। हु ले एडमिस्ट मीन्स इन द मिडल द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल और वाउंडेड चोर के ऊपर ही जख्मी चोर के ऊपर ही गिर जाते हैं। उसके एंकल से ब्लीडिंग हो रही थी एंड कंग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। मीन्स एवरीबडी वॉज कंग्रेचुलेटिंग स्वामी फॉर हिज ब्रेवरी। हर कोई उसे नेक्स्ट डे स्वामी को उसको कंग्रेचुलेशन बोल रहा था उसकी बहादुरी के लिए। हिज क्लासमेट्स लुकड एट हिम उसकी क्लासमेट ने उसकी ओर देखा विथ रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। द हेडमास्टर सैड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट। ही वॉज रियली टैलेंटेड पर्सन। ही वॉज रियली ए स्पाई। ये सच में बहुत बड़ा जासूस है। बहुत टैलेंटेड पर्सन है। प्रतिभाशाली पर्सन है। एंड स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल टू हिम फॉर इट। कि उसने एक बहुत ही खुखार शरारती चोर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबके लिए सरदर्द बना हुआ था पुलिस के लिए भी, तो पुलिस ने उसको पकड़वाने के लिए स्वामी का धन्यवाद किया। द इंस्पेक्टर सैड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जब तुम बड़े हो जाते हो। जैसे तुम बड़े हो जाओ तुम क्यों ना तुम पुलिस ज्वाइन कर लो। स्वामी सैड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। विनम्रता से स्वामी ने रिप्लाई किया सर्टेनली सर क्लियरली निश्चित ही श्योर सर। एंड दाउ ही हैड क्वाइट मीन्स कंप्लीट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर। ही वॉन्ट टू बी अ ड्राइवर इंजन ड्राइवर एंड अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। और लेटर बाद में लाइफ के अंदर वो एक रेलवे गार्ड बनना चाहता है और एक बस कंडक्टर बनना चाहता है। एंड व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब जैसे ही वो क्लब से वापस आता है दैट नाइट उस रात फादर आस्क्ड वेयर इज़ द बॉय। वो लड़का कहाँ है वो बच्चा कहाँ है। ही इज असलीप वैसो गया है ऑलरेडी। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सैड हिज मदर। हिज मदर सैड एक्चुअली ही कुडंट स्लीप वह सो नहीं सका सारी रात। सो वेयर इज ही स्लीपिंग वो कहाँ सो रहा है। इन हीज यूजल प्लेस वो रोजाना की जगह पर ही सो रहा है जहाँ पर वो आमतौर पर सोता है। मदर सैड कैजुअली एंड ही वेंट टू बेड एट 7:30। आज वो 7:30 बजे बेड पर सोने के लिए चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड मीन्स विद हिज ग्रैनी अगेन। वो फिर से दादी के साथ सो रहा है। फादर सैड नो वंडर नो सरप्राइज ही वॉन्टेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम। क्लेवर बॉय मीन्स वो मेरे आने से पहले सो गया। क्लेवर बॉय मदर लॉस्ट हर टेम्पर। मदर गेट एंग्री ओह यू लेट हिम स्लीप उसे तुम सोने दो। वेयर ही लाइक जहाँ वो सोना चाहता है। सो यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन। आप फिर से उसकी लाइफ के रिगार्डिंग को रिस्क मत लीजिए। फादर मम्मी स्पीक स्लोली धीरे धीरे बोलता एज ही वेंट इन टू चेंज। धीरे धीरे बोलता है ऑल राइट
ऑल राइट ठीक है। मोलिकोडल, मोलिकोडल मीन्स क्या होता है? इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इट मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसिस। ऑल राइट, मोलिकोडल दिस वर्ड इज़ यूज फॉर स्वामीज मदर एंड स्पॉइल हिम, उसे और बिगाड़ दो उसे, एंड मेक हिम अ कवर्ड एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी, मुझे ब्लेम मत करो, मुझे ब्लेम मत करना बाद में फिर आफ्टरवर्ड्स। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन मीन्स लिसनिंग, वो सारी बातों को सुन रहा था फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, उस कंबल के नीचे, एंड फेल्ट ट्रिमेंडसली रिलीव्ड। रिलीव्ड मीन्स रिलीफ, राहत की सांस लेता है, टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि उसके फादर उसको वहाँ से छोड़कर जा रहे थे, कि स्वामी कैन स्लीप वेयर ही लाइक, जहाँ वो चाहता है वहाँ वो सो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रेड दिस चैप्टर वेरी नाइसली इन बाइलिंगुअल मेथड ऑल्सो। सो नाउ आफ्टर दिस यू विल सोल्व दिस असाइनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट असाइनमेंट, एंड ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो कंटेन्स वन रॉन्ग वर्ड फ्रेज विच मेक्स द कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स। अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड्स फ्रेजेस एंड रिप्लेस दैम विद द करेक्ट वंस टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें जो करेक्ट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपने उसको करेक्ट करना है। लाइक स्वामीज फादर रीड द रिपोर्ट ऑफ लैड्स ब्रेवरी इन अ वीकली मैगजीन। सो हेयर वीकली मैगजीन इज रॉन्ग, राइट आंसर इज ही रेड दैट स्टोरी इन अ न्यूज़पेपर। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, ओनली सिक्स स्टेटमेंट्स, वन हैज़ ऑलरेडी डन। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन अबाउट 30 वर्ड्स। हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द विलेज लैड्स ब्रेवरी? स्वामी ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने सुना उस गांव के बहादुर बच्चे के बारे में, उस बच्चे की बहादुरी के बारे में, एंड हाउ वॉज हिज रिएक्शन, उसकी रिएक्शन कैसी थी, डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर्स रिएक्शन, उसकी जो प्रतिक्रिया थी अपने फादर से डिफरेंट कैसी थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वट वॉज द चैलेंज गिवन टू स्वामी बाई हिज फादर? क्या चैलेंज दिया गया था स्वामी को उसके पिताजी के द्वारा, एंड हाउ डिड ही रिसीव इट, उसने उसे कैसे लिया उसको। एंड थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग इन द ऑफिस रूम एट नाइट। स्वामी कैसा फील कर रहा था उस रात, यू विल डिस्क्राइब इट। एंड फोर्थ, हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर, उसने कैसे उस चोर को पकड़ा। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच वुड यू चूज टू डिस्क्राइब स्वामी एंड वाई। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स में से आपने क्या, आप स्वामी ले चूज कर सकते हो, वाई, क्यों, यू विल डिस्क्राइब वाई यू वॉन्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू चूज दिस वर्ड फॉर स्वामी। फॉर डियर स्टूडेंट्स, यू विल सॉल्व दिस असाइनमेंट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। And one more thing, you will find out all the difficult words, you will underline all the difficult words and find out their meanings. It means you will make effective use of your dictionary, because if you have good vocab then you can easily give the answer in your own way. So do your work. Enjoy the reading skill. Thanks and have a nice day.